वही राजधानी देहरादून में लगातार बदल रहे मौसम को लेकर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सभी जनपदवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की सलाह दी है। दरअसल मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हम लोग पहाड़ी राज्य के निवासी हैं, यहाँ पर रात को बहुत ठंड हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक पहाड़ी राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर मौसम का जो जिस तरह बदलता है कि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्म भी रहता है, और यहाँ देहरादून तो फेमस है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बारिश भी होगी, तो ऐसे में आपको अपना सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मच्छरों के पनपने का सीजन भी बनता है। हमारा शासन प्रशासन बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह सजग है, और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है अपने घर के आसपास तो उसको जरूर से खत्म करें, और आप ऐसे में नगर निगम और बाकी प्रशासन की सेवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पर्सनल लेवल पर अपने पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग पानी को इग्नोर करते हैं, प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पियेंगे। हम लोग गर्मी में फिलहाल गर्म काफ़ी है, ऐसे में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको अपनी बॉडी का लगभग 5 से 7% तक, कोई 50 किलो का है तो करीब 2 से 3 लीटर पानी, मतलब कम से कम 4 से 6 गिलास पानी जरूर से पिए। पानी वाले फल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब मौसमी फल हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में इसका सेवन करें। और बाकी फास्ट फूड और बहुत हाई फैटी फूड से बचें, क्योंकि उसको खाने के बाद आपका पेट भी खराब हो सकता है, दूसरा इनको खाने के बाद पानी की डिमांड भी बॉडी में बहुत बढ़ती है। बाकी हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, जहाँ तक अगर आप फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको धूप के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचेंगे और मच्छरों से भी आपकी बचत होती रहेगी। इस क्रम में बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ इस मौसम में हो सकती हैं, जो कि जैसे पेट खराब होना, आपको लू लग सकती है, या फिर मच्छर जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, तो ये सब आपकी अपनी सावधानी से इनसे बचा जा सकता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है बुखार है या बदन टूट रहा है या मुझसे खून तो नहीं आया या नाक से खून आना या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसमें ऐसे में कई बार बेहोशी आना, तो ऐसे में हम सभी डॉक्टर्स यहाँ तैयार हैं। आप अस्पताल में आकर जरूर से दिखाइए, आपके घर के पास जो भी अस्पताल है आप वहाँ जाकर डॉक्टरी सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जागरूकता और आपका अपना एक जो बचाव है हमेशा बीमारी के लिए, वो एक बहुत अच्छा रहे।